हमने क्या बोला था, जब तक राइटिंग में नहीं देगा हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेगा। राइटिंग में दिया ना, सबके सामने बात किया ना, और एक बात समझो, दिल्ली में कौन जीत रहा है, केजरीवाल नहीं बीजेपी, गुजरात में बीजेपी जीत रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रहा है, कलकत्ता में ममता बनर्जी इस बार हार रहा है, बीजेपी जीत रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रहा है, हिमाचल में बीजेपी जीत रहा है, बिहार में बीजेपी जीत रहा है, आसाम में बीजेपी जीत रहा है, मेघालय में बीजेपी का अलायंस पार्टनर कॉनराड संगमा जी, नागालैंड में बीजेपी का अलायंस पार्टनर एनडीपी एनडीआरएफ नेफ्यू रियो का पार्टी, नागा का पार्टी जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर, वो जीत रहा है, पूरा इंडिया में बीजेपी जीत रहा है, 5 साल उनका सरकार है। तो किससे बात करें हम, क्यों अपना चिपरासा का गला को बलिदान में लगाए जब दिल्ली में गवर्नमेंट बन रहा है बीजेपी का। हमको कौन हेल्प कर सकता है आज, सेंटर, सेंटर ही हेल्प करेगा ना, लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग, पट्टा, अपना एडीसी का पुलिस, अपना स्कूल को इंग्लिश मीडियम करना, अपना कॉकबोरक को अपना स्क्रिप्ट में लाना, कौन कर सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले जो लोग बोल रहे हैं आप बीजेपी को मत हेल्प करो, सीपीएम कांग्रेस को हेल्प करो, हम एक ही बात बोलना चाहता है कांग्रेस और सीपीएम को, पहले आप ऑल ओवर इंडिया में जीत के आओ, तब टिपरासा के पास आओ, तब टिपरासा वोट करेगा, टिपरासा आप बलि का बकरा नहीं बनने वाला है। देखो अगर टिपरासा हमेशा बलि का बकरा बनेगा जैसा सीपीएम का टाइम में था, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, हम लोग वोट किया सीपीएम को, कुछ मिला, कुछ मिला। आज अगर दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट है तो हमको बीजेपी का गवर्नमेंट से जितना भी पैसा आना है, जितना भी नौकरी आना है, जितना भी आपका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आना है, तो उनसे बात करना, उनसे फाइट करके, स्पेशली सीपीएम के लिए फाइट करके, उनको हराने के लिए, सीपीएम को दिखाने के लिए, कुछ नहीं करेगा। इसको बोलता है राइट टाइम में राइट डिसीजन। और खानसा, खानसा का मतलब क्या है जानता है, अगर आज कोई भी यहां आए, राहुल गांधी आए, मैं बहुत प्यार करता हूं राहुल गांधी को, पसंद करता हूं राहुल गांधी को, लेकिन आज राहुल गांधी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। खानसा का मतलब क्या होता है, खानसा का मतलब होता है पुइला जाति उलूप पार्टी। आज हम आपको बोल सकता है कि त्रिपुरा में खानसा के लिए सबसे ज्यादा काम आपका राजा ने किया, क्योंकि क्योंकि जब कांग्रेस में था तभी भी खानसा के लिए काम किया, जब मथा में आया तभी भी काम कर रहा हूं, आज बीजेपी को भी, जनजाति मोर्चा को भी खानसा में लेके आकर बोलूंगा, पहले आप टिपरासा के बारे बात कीजिए, उसके बाद अपना पार्टी के बारे में। अगर दुबागरा अपना पार्टी को छोड़ के टिपरासा के बारे बात कर सकता है, तो आपको भी अपना पार्टी को, हाँ प्यार करो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना लोगों के बारे भी बात करो। और यही चीज मैं जितेंद्र चौधरी को भी बोला, तब तक आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में है, संविधान तो खतरे त्रिपुरा में, हमारा टिपरासा का संविधान ही नहीं है, हमको कुछ मिला ही नहीं आपके अमल में, उस समय आपको संविधान का परवाह नहीं था। 2012 में क्या हुआ, यही भी तो जब मारा था, हाँ जिरानिया में, वो टाइम
ज्योतिर्मय थे ना, रॉबी लिटल का आपको अधिकार के बारे में चिंता नहीं था? 1998 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, उस समय आपको अधिकार का परवाह नहीं? हम आपको, आप भी आज भी बोल रहे हैं, हम लोग प्रेशर रखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि जब तक आप प्रेशर रखेगा हम लोगों को कुछ मिलेगा। जिस दिन प्रेशर नहीं रखा उस दिन आपका बाप भी आपके बारे में पूछता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक बीवी गुस्सा नहीं होता है, माँ बाप या हस्बैंड भी चिंता नहीं करता है, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रेशर रखना पड़ेगा, पॉलिसी है। और मैंने अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया, यहां में हमारा एमएलए भी है, मैंने अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया कि अगर कुछ गलती हुआ हमारे तिपरासा के ऊपर और महाराजा ने बोला हटो, तो हटना पड़ेगा। सरकार में बैठकर चुप नहीं बैठना है, सरकार में बैठकर कैबिनेट के अंदर भी हमारे बात करो। मेरा YTS, मेरा TWS गवर्नमेंट का बाहर रह के भी प्रेशर रखेगा, और हमारा बहन दिल्ली में प्रेशर रखेगा, और बुबागरा सबको एक करके अपना जाति का प्रेशर रखेगा। हमको कुछ चाहिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, किसी को खराब लग रहा है? सब बोलेगा, कोई लोग बोलेगा ग्रेटर तिपरान कहां गया, कहीं में लिखा है कि नहीं मिलेगा? कहीं भी लिखा है? आप लोग फाइट करने से पहले ही हार जाते हो। आपको दुकान चलाना है, नया आंचलिक पार्टी खोलना है, एक दो लीडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बुबागरा के बारे उल्टा सीधा बोलेगा। पार्टी खोलना बहुत आसान है, पार्टी को चलाना मुश्किल है। ये सब लीडर लोग अपना पॉकेट से 500 रुपया खर्चा नहीं करता है, आपसे चंदा उठाता है। दिल्ली में अमित शाह का झूठा का संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है लोगों को। अगरतला में कोई लीडर मानता नहीं है, लेकिन मंडई में, करबुक में, ओमपी में, कंचनपुर में अपना बुकुंबारा को बड़ा बड़ा भाषण देता है, बांग्लादेशी को छोड़ेगा नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वही लीडर अगरतला जाके चुप चूहा जैसे। आप लोग जाओ कभी, बोलो बुबागरा मेरे पास, मेरा माँ बीमार है, मेरा बच्चा को ट्यूशन का चाहिए, थोड़ा सा रुपया दो, जितना है मैं देता हूं। आप कभी जाकर उनसे 5 रुपया मांगो, 5 रुपया वो आपको लेक्चर देगा, हमारे काछे तो रंग नहीं, हमारे काछे टाका नहीं, अच्छा अभी दिल्ली जैसा से हमारे टाका रहने इंतजाम करो। सिर्फ अपना आपको लीडर बनाना चाहता है इन लोग, कोई भी सपोर्टर हो यहां में है आप लोग, आपको कभी लीडर नहीं बनाया है लोग। आज मैंने टीपरा मोथा ने और मैंने सुहेल को चांस दिया, रुनील को चांस दिया, धीरेन को चांस दिया, पूर्ण चंद्र चमतिया को चांस दिया, सपना को चांस दिया, नंदिता को चांस दिया, राजेश दिया, सौदागर को चांस दिया, यहां में पितर है उसको चांस दे रहा हूं, यहां में राजेश है उनको चांस दे रहा हूं, जम्मू को चांस दूंगा। मैंने कितना लीडर बनाया, कितना लीडर बनाया, मैंने पॉल दांशु को बनाया, फिलिप प्रियांक को बनाया, भवर रंजन को बनाया, डॉली रियांग को बनाया, सब फर्स्ट टाइम है। नेता कौन, लीडर कौन जो दूसरा को उठने नहीं दे? और यहां में बहुत लोग हैं जिनको चांस मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग से भी मैं लीडर निकालूंगा,
और लीडर का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप एमएलए एमडीसी बने, लीडर का ये भी मतलब होता है